बाबर आजम जस्ट बिफोर कमिंस वापस आ गया, एबर्ट वापस आ गया, उससे जस्ट बिफोर स्टार्क वापस आ गया, उससे रिटायर्ड आउट होकर चले गए। उन्होंने बड़ा कूटा जी, बड़ा कूटा, उन्होंने स्टीव स्मिथ को मारा, लवु शेन को मारा, लगा लगा के तुम्हारा डेविड वॉर्नर को दो ओवर में 40 रन देखो दिखाता हूँ। कमिंस से आने से पहले पहले निकल लिए थे और उससे एबर्ट से आने पहले पहले, बट अच्छा खेल गए। सबसे पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान, नवाज ने जो इनिंग खेली एंड के अंदर आकर प्रेशर सिचुएशन में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऑस्ट्रेलिया ने कैसा मजाक किया है भाई। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में आउट कर लिए चार, फॉलो विकेट्स अभी दिखाएंगे आपको, शुरू में चार आउट कर लिए 90 पे। ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया यार ये तो मैच ही खत्म हो जाएगा, 150-150 पे लोग आउट हो जाएंगे। उन्होंने बीच में दे वॉर्नर, दे स्मिथ, दे लवु शेन, दे मैक्सवेल, कराओ भाई चारों ही कराते रहो, कोई बॉलर नहीं आएगा, कराओ मारो छक्के मारो चौके मारो। बाबर को इसको छक्के मार रहा है, उधर छक्के मार रहा है। बाबर जिसकी स्टॉकी भी स्ट्राइक रेट नहीं होती, आज ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था ऑलमोस्ट। तो दोस्तों फुल रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को आगे 1 मिनट तक स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल बाबर आजम ने क्या ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, 90 रन्स पर वो जो है रिटायर्ड हो गए थे, और जिस हिसाब से उसने फास्ट इनिंग्स खेली उसके बाद इंडियन मीडिया के नींदे हराम हैं। अब इंडियन मीडिया फ्रस्ट्रेट है कि बाबर आजम तो फॉर्म में वापस आ चुका है, अब ये इंडिया को भी पेलेगा, तो ये अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबर आजम ने लवु शेन को मारा, बाबर आजम ने डेविड वार्नर को मारा, बाबर आजम ने स्मिथ को मारा, उनके मेन बॉलर्स को जब आए तो बाबर आजम ने कुछ नहीं किया और रिटायर हो गए। तो दोस्तों जिस हिसाब से बाबर खेल रहे थे, अगर इनकी जगह कोई भी बॉलर होता तो बाबर आजम ऑब्वियसली अच्छा ही खेलते क्योंकि वो सेट हो चुके थे। तो चलते हैं फुल वीडियो रिएक्शन की तरफ। छक्के मारो बाबर को, इसको छक्के मार रहा है, उधर छक्के मार रहा है। बाबर जिसकी स्टॉकी भी स्ट्राइक रेट नहीं होती, आज ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था ऑलमोस्ट, तो मारे जा रहा। ऑस्ट्रेलिया को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऑस्ट्रेलिया ने मजाक मुजूक करके एंड में अपने मेन बॉलर भी नहीं लाए, आधे अधूरे लाए, और नवाज जब तक था तब तक लग रहा था चलो पाकिस्तान जीत सकती है। रन अ बॉल चाहिए था, रन अ बॉल चाहिए था। नवाज और उसामा मीर ने एक दो हिट लगाई, उसामा मीर आउट हो गए, उसके बाद नवाज ने हिट्स लगाई, उसके बाद नवाज 50 बनाया बहुत बढ़िया, नो डाउट अबाउट इट, उसके बाद वो भी आउट हो गए। अल्टीमेटली पाकिस्तान मैच हार गया इतना तगड़ा। लास्ट में पता आपको क्या हुआ है, 41st ओवर से 47.5 ओवर पाकिस्तान 60 for 4 एंड में डेथ में आके, उससे पहले 65 for 2। अच्छा 21st ओवर से लेकर 30th ओवर, ये जो 9 ओवर थे ना, ये वार्नर वाले, स्मिथ वाले, लवु शेन वाले, इसमें 112 रन पड़े हैं, 112। उसके अलावा अगर आप देख लो 59 for 2 पहले 10 ओवर में, 11 से लेकर 20 ओवर में 41 for 2, सिर्फ वो जो 112 रन पड़े हैं ना उसकी वजह से ये पहुंच गए। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं JKL, चारू बताइए JKL क्या होता है, जहन्नम की लानत, मैंने आपको बोला जहन्नम की लानत इस अप्रोच, भाई यार ऐसी स्पिन भी दे दी, सब कुछ दे दिया तुम्हें, पूरा प्लेटर पे सजा के मैच दे दिया तुम्हें कि भाई जान जीत तुम हमारी दोस्त है, ये लो तुम जीतो, जीत के जाओ नेदरलैंड, बड़ी टीम है तुम्हारे लिए, हराओ उसको, फिर भी तुम हार गई हो यार। ये देखो पहले 35 पे एक इमामुल हक आउट, इमामुल हक को तो ड्रॉप कर दोगे, जितना अच्छा उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। फिर 47 पे दो फकर जमान आउट, 62 for 3 अब्दुल्ला शफीक आउट, 83 for 4 शादाब खान आउट। शादाब को पता नहीं बैटिंग भी नहीं होती, बॉलिंग भी नहीं होती, करने क्या करने के लिए रखा है मुझे नहीं पता। अच्छा ये उसके बाद जो मैं बोल रहा था ना, 11 ओवर से लेकर आपके 31 ओवर तक पहले आते थोड़े रन, बट 112 रन आपके 10 ओवर में आते हैं, बिकॉज स्मिथ इज बोलिंग, लवु शेन इज बोलिंग, डेविड वॉर्नर इज बोलिंग, मैक्सवेल इज बोलिंग, और यहाँ पे इफ्तिकार अहमद और आपके कप्तान बाबर आजम की पार्टनरशिप लगती है, वही लगती है। हाँ बस वही लगती है, इफ्तिकार फिर वहां से 83 for 4 के बाद 227 for 5 और वो भी 31 ओवर्स में, 227 for 5 इन 31 ओवर्स, यहां से इजी चेस था। फिर आगा सलमान आउट होते हैं 269 पे, फिर 300 बाबर आजम रिटायर्ड हर्ट होकर चले जाते हैं, फिर 301 पे उसामा मीर आउट होते हैं 8 for 326। मोहम्मद नवाज जैसे ही आउट हुए इनको मुश्किल पड़ गई, हसन अली भी हिट लगा सकते हैं बट कुछ कर ना पाए,
337 पे सिमट के रह गई। चारू आई थिंक अगेन ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ करा कि यार तुम नुन्नू मुन्नू आ जाओ, चुन्नू मुन्नू थोड़ा सा राउंड लेंगे पाक का, इधर जाओ देखो ये राइड कैसी लगी, उधर जाओ उम्मीदें बढ़ाई और फिर ऐसे मारा कि जाओ यार घर हम जीत गए। अब बेटा वापस आ जाओ, मैंने आपको वही चीज बोली थी, ये यहां से हार जाए तो कोई बड़ी बात मत समझना, और ये वही करेंगे आपके साथ खिलवाड़ करेंगे। पहले आपको बोलते ना कि जब खैर चले उस एग्जांपल पे नहीं जाते, पर आपके साथ कुछ करने से पहले वो आपको पहले खुश करेंगे, देखो ये चीजें अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, फिर आपको रियलिटी को हलाल करने से पहले मोटा किया जाता है, वो वाली बात है। बाबर आजम ने, मुझे तो नहीं याद आता बाबर आजम ने T20 में भी 150 के साथ कब खेला स्ट्राइक रेट से, बुरा मत मानना, बट बाबर आजम वनडे में खेल रहा है 150 की स्ट्राइक रेट से, 59 बॉल्स पे 90 रन, ठीक है ना, 11 चौके 2 छक्के, वेल प्लेड नो डाउट। मैं ये नहीं बोलता कि बुरा खेले या कुछ, अच्छा खेले भाई, जो उन्होंने बॉलर कराया उनके हिसाब से मारा और बड़ा बुरा मारा, बड़ी बेरहमी से मारा, ऐसे मारा कि अच्छा हमसे पंगा, इज्जत पे बात आ गई। उसके अलावा देख लो इफ्तिकार अहमद लबुशेन से आउट हो गए, पहले वार्नर की बॉल पे आउट था इफ्तिकार अहमद, याद है फुल टॉस पे कैच दे दी थी, अब तुम लबुशेन की बॉल पे आउट हो रहे हो, तुम मैक्सवेल की बॉल पे फखर जमान आउट हो रहे हैं, फिर आप देखो ये नीचे लबुशेन की बॉल पे हसन अली आउट हो रहे हैं, एक और ये इफ्तिकार अहमद शादाब खान दोनों लबुशेन की बॉल पे, लबुशेन 3 आउट कर गया। JKL हो ना हो फिर बताइए जहन्नम की लानत। उसके बाद आप वो देखिए आपके यहाँ पे फखर जमान भी मैक्सवेल से आउट हो गए हैं, राइट, तो सारी की सारी टीम आउट हो गई। आज मुझे ये लगा कि बाबर आजम जिस ईज से खेल रहे थे इन बॉलर्स को, आई डोंट नो जिस टाइम पे इफ्तिकार अहमद खेल रहे थे, वाई ही थ्रू इज विकेट अवे, तो सही बोलते हैं लोग कि बाबर आउट इनका मैच खत्म है, हमारी टीम तो इतनी डिपेंडेंट नहीं है विराट कोहली पे, सॉरी कोई भी टीम इतनी डिपेंडेंट नहीं, बट बाबर ने ही एक इमेज भी बिगाड़ी है। अच्छा आज बाबर तेज क्यों खेले हैं भाई, आपकी बेइज्जती करी ऑस्ट्रेलिया ने यार, ऑस्ट्रेलिया ने आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है बेटा तुम 90 पे 4 हो गए क्या बनाओगे यार, तुम लो वार्नर चल यार, लो स्मिथ चल यार, तू कर यार, तुम मार यार कितने छक्के मारेगा, उसके बीच में भी तुम आउट हो गए, उसके बीच में भी इफ्तिकार अहमद आउट हो गया, वो पहले भी डेविड वार्नर की फुल टॉस पे आउट था, फिर लबुशेन ने आउट कर लिया, उसके बीच में भी बाबर आजम की भी कैच उछल गई थी, पैट कमिंस ने हाथ में ऑलमोस्ट अटक ही गई थी। सो आई थिंक इतनी पिटाई खाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को फर्क ही नहीं पड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर भी स्मिथ भी लबुशेन भी मैक्सवेल भी सब करा लिया, बट उन्होंने बोला यार इनके इन्होंने जीतना तो है नहीं, जीतना तो है नहीं, अब जीतना होता तो वहां पे आपको दिख चुका होता, जैसे आपके वापस आते हैं मेन बोलर्स आपकी हालत वही बैक टू रियलिटी, आपको साथ में वही चीजें होने लग जाती है, और यहां से भी आपने 50 ओवर नहीं खेले, आप विकेट नहीं खोते, आप विकेट बचा के रखते तो आप जीत जाते भाई, आपके पास डेविड वार्नर 2 ओवर में 40 रन है, आपको इससे अच्छा क्या मिल सकता था, स्टीव स्मिथ 4 ओवर में 40 रन है। अच्छा लबुशेन को अगर देखोगे तो लबुशेन 8.4 ओवर 78 for 3, इसने भी हारिस रॉफ से कम रन दिए भाई, तुम्हारे तो मसले ही बहुत है यार, एक तो बैटिंग नहीं है तुम्हारे पास, बैटिंग को छोड़ दो, बैटिंग फिर भी ठीक है मैं बोलता हूँ, बॉलिंग कहाँ है पाकिस्तान की, जो फन्ने खा बनते थे कि इंडियंस डर गए तुम्हारी बॉलिंग से, कहाँ है वो बब्बर शेर, कहाँ है वो टेंसिएट जो टेंशन में घूम रहे हैं कि भाई हम तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे, जैसे ही बोला बाहर पिटाइयां शुरू, पहले में न्यूजीलैंड ने 4 ओवर में 36 रन मार दिया, नौ की इकोनॉमी रेट, चुपचाप बैठा दिया बाबर ने, भाई भेजा तू नहीं तो और पिटाई होनी है यहाँ पे, जो 43 ओवर्स में 350 चेज हो गए थे वो हो जाता 35 ओवर में चेज होते, हारिस होता तो, और जो लोग बोल रहे थे हारिस ने बॉलिंग नहीं कराई, भाई 35 ओवर में चेज हो जाता, वो 35 तो नहीं तो चलो 40 में तो हो ही जाता। अब अगर यहाँ पे बीच के ओवर्स में, हाँ बोलिए बोलिए, बीच के ओवर्स में आपके लिए डेविड वार्नर और आपके लिए लबुशेन और मैक्सवेल बॉलिंग नहीं कराते, मैक्सवेल को चलो हटा भी देते, वो सब बॉलर्स नहीं आते तो और जल्दी खत्म हो जाता था मैच। हारिस को देखो जो कुटाइयां उसकी हो रही है उस आदमी की, लबुशेन की इकोनॉमी रेट उससे बेटर है, आपके ग्लेन मैक्सवेल की इकोनॉमी रेट उससे आधी है, आधी, आप इनकी इकोनॉमी रेट देख लो, देखो स्टीव स्मिथ तो देगा 10 रन पर ओवर, डेविड वार्नर तो देगा 20 रन पर ओवर, लूटने के लिए दिया था तुम्हें कि मारो यार। एंड में ऑस्ट्रेलिया अपने आप को टेस्ट करना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया चाहती थी जितने रन बनाने बना लो, लास्ट के 10 ओवर में अपने आप को टेस्ट करना है ना कि डेथ सिचुएशन है, 70 रन बचे हुए हैं, हमने किससे बॉलिंग करानी है, हम वापस आ जाएं गेम में। बाबर उसी टाइम पे आउट होकर चले गए, बाबर को चाहिए था कम से कम पैट कमिंस, मैं चाहता था, चलो उनकी भी स्ट्रैटेजी ठीक है भाई, अगर हम बोलते हैं इनकी स्ट्रैटेजी है कि लास्ट 10 ओवर में देखना है, उनकी भी स्ट्रैटेजी होगी कि लास्ट 10 ओवर में देखना है, बट मैं कह रहा हूँ फिटे मुंह ऐसी बैटिंग के, फिटे मुंह बेड़ा गर्क ऐसी बॉलिंग, क्या बॉलिंग है भाई, हारिस रॉफ जो बब्बर शेर बनते अपने टेपिए, वो आके उंगलियां तो बड़ी दिखा रहे थे ईशान किशन को, सारा पाकिस्तानी नेशन प्राउड, ये बब्बर शेर ने उंगली दिखा दी, इंडिया को देखिए
क्या हो, डरा दिया इंडिया को, उंगली दिखाने के अगले ओवर में तीन चौके खा लिए थे हार्दिक से। उसके बाद से तो कमबैक ही कहां हुआ है आपका। दे धनादन जो आ रहा है उसको ले लपेड़ के यहां से, दे तेरे चौके वहां से, दे तेरे छक्के वहां से। क्या भाई तू पेस करा लू मैं 150 पे। जब ये अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ था, जब भी बड़ा मैच आता है आपकी बॉलिंग हमेशा पिटती है, बॉलिंग है ही नहीं। आज तो हसन अली बच गया, आज हसन अली ने ठीक ठाक बॉलिंग करा दी, वरना तो ये 450-450 होता। आप अगर देखो शाहीन शाह अफरीदी हसन अली को तो मार ही नहीं पड़ी, मोहम्मद वसीम जूनियर। तो ये था फुल रिएक्शन वीडियो, और ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी चैनल पर ऐसे क्रिकेट से जुड़े रिएक्शन वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।